एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी शानदार तरीके से जीत गई। जो पार्टियां हार गईं, उनका ईवीएम पर शक कायम है। किसी पार्टी के लिए ईवीएम ठीक है तो किसी के लिए खराब। जमहूरियत का ये तराजू सियासत का नया असलाह बन गया है। ईवीएम से चुनाव जीतने वाली पार्टियों को सब मंजूर है, हारने वाली हाय तौबा मचा रही है। हमें पता है कि जब सच बोला जाता है तो सबसे पहले मजाक बनाया जाता है, सच कड़वा भी लगता है, लेकिन यही सच एक दिन सामने आएगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। वक्त वक्त की बात है। आज एक के बाद एक जो पार्टी हर जगह अपना परचम लहरा रही है, उसने कभी ईवीएम के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, उसे अब ऐसी बातें फालतू लगती हैं। दिल्ली पॉजिटिव रास्ता चाहती है, खुशनुमा रास्ता चाहती है, उसमें आम आदमी पार्टी के किसी बात का अब जवाब देने लायक समय नहीं है। ईवीएम को लेकर जो हंगामा हुआ या हो रहा है, उसे देख किसी के मन में भी शक होना लाजमी है, लेकिन शक दूर करने का जिम्मा तो आखिर खुद के सर है। अगर ईवीएम मशीन में दोष है तो इलेक्शन कमीशन ने जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक आप इलेक्शन कमीशन को कहना था कि हम आकर बताते हैं क्या दोष है, आप ये बाद में बोलना क्या है, वो ठीक नहीं है। खैर, हारने वाला खिसिया कर कभी कबार ऐसी बात कर ही देता है। हैरानी इस बात को लेकर है कि सबको चित भी चाहिए पट भी। शायद कहीं कुछ गलत जरूर है, या फिर ईवीएम है या फिर सोच। गो न्यूज ब्यूरो।